हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। भी पंखा चल रहा है इसलिए हम पंखा पहले बंद करवा दिए। सब लोग बोल रहे थे इतना बोलने के बाद भी आवाज़ बहुत कम आती है, तो हमने माइक यूज़ करी हुई है और पता नहीं इसके बाद भी आवाज़ कैसे कम जाती है। हम जबकि एडिट करते हैं तब देखते हैं कि हाँ आवाज़ ठीक आ रही है, लेकिन जैसे अपलोड करते हैं हमको पता नहीं, समझ में नहीं आता। कमेंट्स भी आने लगता है कि दीदी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी बहुत सारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूरा अपना सारा सामान बिखारे हुए हैं और अभी हम सफाई कर रहे हैं, क्योंकि कल रात में कपड़ों की मतलब जैसे जैसे अच्छे से कपड़ा रखना था वो हमने सारा कुछ रख लिया है। अब बस अब रख रही हूँ मैं अच्छे से, जैसे एक तरफ नेल्स जो हमको मिला था उसको अलग रख दिए, और इसमें हम लिपस्टिक, नेल पेंट और बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हैं इसमें भी। तो सोचे कि सब अच्छे से रख दे ताकि हमको ढूंढने में इजी मिल जाए। इजीली कहीं जाना होता है तो अचानक से ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये हमने मंगवाया हुआ था, मंगवाया नहीं हमने खरीदा हुआ था फेसियल किट, क्योंकि आप सभी को पता है मैं घर पे ही ज़्यादातर करती हूँ, कंफर्टेबल हो पाती हूँ। और ये वाला कैटल हमें गिफ्ट में मिला हुआ था, जो कि आप लोग को पता होगा अगर याद होगा तो। अभी जल्दी जल्दी सारा सामान रखते हैं, और बहुत ही अच्छा अच्छा सारा कुछ है। ये मॉइस्चराइजर है, इसको ऐसे रख देते हैं, और थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग को सही से कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है जिसकी वजह से सही नहीं लग रहा है। ये हेयर सीरम है, देख सकते हो इसमें अभी भी है, और इतना ज़्यादा कार्टून कार्टून पड़ा हुआ था इसलिए हम ये सबको हटा दिए। फेस टोनर वगैरह सारा हम यूज कर लिए हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी ये सब प्रोडक्ट लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अब ये है सनस्क्रीन का सीरम, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें है सिंदूर, जो कि सब इतना ना इधर उधर हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा है कौन सा सामान कैसे रखा हुआ है। सब कुछ बहुत अजीब तरीके से हो गया है। ये लिपस्टिक का भी हालत ख़राब हो गया है, तो अभी इसको ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे। सारा कुछ अच्छे से, और ये वाला मिस्टर आज को ना जब नहीं, ये हम अपने लिए लेके आए थे जो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था, बट इसको लेके आए थे और एक बार भी नहीं पिए हैं। हमको बोल रहे थे जैसे हमको भूख नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा उल्टी ऐसे होने लग जाता था, इसलिए हम इसको लेके आए थे। और बहुत सारा सामान अभी देख सकते हो, बाहर कपड़ा भी पड़ा हुआ है, अभी रूम वगैरह सारा कुछ ठीक करना है। और वैसे भी आज संडे है तो सब पता है कि संडे के दिन लेट हो जाता है। और मैं गई थी सुबह सुबह उठ के, अपने मेरा कॉलेज का जो दोस्त था वो मेरे को बोला था कि आने के लिए, क्योंकि उनके दोस्त की ना मतलब मेरे दोस्त की मम्मी हमारी वीडियो देखती हैं, तो अभी उनसे मिले हैं और आप सभी को पहले वो वाला पार्ट दिखा देते हैं। सुबह सुबह ही गए थे रेडी होके, एकदम आज संडे था और कल रात में लेट से सोए थे, तो फिर उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो उठ के ऐसे जल्दी से रेडी हुए और फिर गए, क्योंकि अच्छा लगता है भाई इतना दूर से अगर कोई वेट कर रहा है तो हमें जाना भी चाहिए। तो अभी पहले सब कुछ ठीक वगैरह कर लेते हैं, तब तक आप लोग वो वाला पार्ट देखिए। दिख रहा है तुम? नहीं, डरने हमारे फोन से आवाज कहाँ आ रहा है। पूजा, अच्छा पूजा भी उसके बाद जाएंगे निहाल जी के यहाँ, वहाँ भी राखी बनवाएंगे उनकी बहन मानते हैं। हाँ बताइए सर, कहाँ से हैं? बिहार से आई है। और कह रहे थे कि शादी टाइम्स फॉलो करते हैं, फिर शादी टाइम्स शादी टाइम तो आप सब कुछ जानते होंगे, यहाँ एडिशन करा है। शादी से पहले हम भी नहीं जानते थे। 2-3 साल ज्यादा हो गया, 4 साल कैसे हो गया? मुश्किल से 10 बार बात किया। 3-3.5 साल जब से चैनल खुला है तब से। अरे 6 महीना बिजी भी बहुत है ना, तब से बहुत मुश्किल होता है। जब शादी हुई थी तो उस टाइम टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, अब जैसे मोबाइल बैन हुआ ना। अच्छा
उसके बाद से वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मिलने के बाद। और ये इनका बेटा, ये आप हमारा वीडियो कब से देखती है? जब आपका शादी हुआ था तब से, मतलब यानी कि चैनल जब से बनाई है तभी से फॉलो। जब से हमारा चैनल बना है ना तब से हमारी वीडियो देखती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कम से कम इतने दिनों से सब कुछ देखती है, सबको सबका नाम पता है, मतलब किसे मिलते हैं और सारे लोगों को फॉलो भी करना। हाँ सबको। और ये इनका बेटा, ये भी MMU में पढ़ते हैं और इसको तो पता ही होगा ये हमारे बर्थडे पार्टी में कब हम। हाँ इसको पहले ये जब कॉलेज में आया था ना, एक स्टोरी बताएंगे। नहीं जब कॉलेज में आया था ना तो हम लोग तो जानते नहीं थे ना कि सारी बातें एक बार नहीं बताते पिच ऐसे। मुझे नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ये क्लास में एकदम आगे बैठता था, एकदम आगे आगे वाले पीछे बैठता था। लास्ट में जब मैं लास्ट में बैठूं तो मैम मेरे को बुला लेते थे, प्लीज दिव्यांशु फर्स्ट बेंच। हाँ इसको सबसे ज्यादा वो मैम मानती थी। कौन सा? रमनदीप मैम बहुत ज्यादा मानती थी। मैं सोचती थी यार पता है तुमको, मैं सोचती थी कि यार ये इतना ज्यादा तेज है क्या, इसको मैम हमेशा आगे बुलाती है। मेरी मम्मी ने कहा चलो इससे बात करो, देख लो खुद की तारीफ कर रहा है। ऐसे तो है। हे गाइस, तो अभी फाइनली आप सभी को दिखा दें अपना ड्रेसिंग जो है वो हमने अभी सही कर लिया है। बस अब इसमें झाड़ू वगैरह लगाना है और इसको बस पोछना है, डस्टिंग वगैरह करना है। बाकी जो भी कपड़े रात में हमने कल वाले ब्लॉग में दिखाए थे वो सारे अब हटा दिए हमने, सारे उसको अंदर कर दिए हैं। और पता नहीं ये जो हमारा ड्रॉल है ना, ये दरवाज़ा, ये सही से बंद नहीं हो रहा है, इसमें गैप आ जा रहा है। सारे दरवाजे ना जैसे लग रहा है सीटीज के फूल गया है उस तरह हो गया है। तो बस इसको अभी सब सही से साफ वाफ करते हैं। उसके बाद से अभी तो कुछ खाने को भी टाइम नहीं मिला है, बस गए थे तो वही दोस्तों के साथ और वो जो आंटी आई थी उनके साथ रस मलाई खाए। और वो पता नहीं कहाँ रख दिए, एक गिफ्ट था ना मेरे लिए। हाँ वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी जो आंटी थी ना, वो बोली मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, मैंने छोटा नहीं है बहुत बड़ा है ये, तो बहुत ही सुंदर सा मेरे लिए इयरिंग लाई थी। बोले थे कि बस हम ये लेके आए हैं, आप इसको पहन के वीडियो बनाइएगा। मैंने ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला इयरिंग बहुत ही सुंदर सा है, इसको ड्रेस के साथ बहुत सुंदर लगेगा। तो थैंक यू सो मच आंटी, ये बहुत ही प्यारा सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी जा रहे हैं पहले रूम वगैरह सारा कुछ ठीक करने, बेडशीट वगैरह झाड़ने। काम बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं सब लोग बोलते हैं कि संडे के दिन बहुत मतलब अच्छे से सब कुछ होता है, लेकिन हमको लगता है कि संडे के दिन ही बहुत ज़्यादा काम होता है। और अभी मेरे कपड़े वगैरह भी धोने हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कितने दिन से कपड़े ही धो रही है, बट कुछ कपड़े हमने धो दिए हैं, आधे से ज़्यादा कपड़े बस। अब एक बेडशीट है और जो कल परसों के जो हमने कपड़े पहने हुए थे वो भी कुछ कुछ कपड़े हैं, बाकी जो गंदे कपड़े थे वो सब निकाल दिए हमने। तो ये वाला फ़ोटो फ्रेम जो है आप लोग देख रहे हैं, ये फ़ोटो फ्रेम को हम क्या करेंगे, इसमें अपना फ़ोटो शादी वाला लगवाएंगे। और सोच रहे हैं इसको कहीं अच्छी जगह पे रखने के लिए, ताकि क्या हो ना इसमें मनीषा सचिन मनीषा लिखा हुआ है, और ये मिस्टर राज हैदराबाद से बनवा के लाए हुए थे, बहुत ही प्यारा सा है। और इसमें चाबी रख सकते हैं हम, स्माइली भी है इसमें बहुत सुंदर सा। अभी से आ रहे हैं अपने पूरा रूम को अच्छे से करते हैं, फिर आप सभी को अपना रूम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। बहुत अच्छे से सब कुछ सजा देते हैं ताकि गंदा नहीं लगे। और यहाँ पे जो कपड़े हैं इसको अभी हमको आयरन करना है, थोड़ा थोड़ा कुछ कपड़ा हल्का फुल्का गीला था इसकी वजह से हमने कुछ किया नहीं है, बट अभी इसमें से मिस्टर राज के कपड़े आयरन करने हैं और आप सभी को दिखा देते हैं। अभी बहुत अच्छे से इनका जो अलमीरा है ना वो हमने सही कर दिया है, कपड़े बहुत अच्छे से सारा कुछ सजा दिया है हमने। एंड देख सकते हो एक साइड शर्ट, एक साइड टी शर्ट और एक साइड पैंट, और ये टॉवल भी रख दिया है। इसमें चीटी चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा चीटी है क्या? अब मेरे घर में पता नहीं चूहा कहाँ से आ गया है। खाने वाला जो भी चीज़ है नीसा क्या करती है कि अपने ड्रॉल में ही रख देती है, जिसकी वजह से चूहा आ जाता है। अब इसको पता नहीं है, कह रही है कि बगल वाले रूम में चूहा आएगा तो इसमें भी आ जाएगा, लेकिन क्या बताऊँ। थोड़ा सा इसको कल समझाएं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अलमारी में अगर हम बिस्किट वगैरह रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चूहा आएगा ही उससे। और डर भी रहता है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इतना हमको घूमने फिरने जाना होता है तो जो भी कपड़ा वगैरह होता है हम सब ऐसे ही रख के चले जाते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डर है
क्योंकि चूहा घूमने लगा है, तो बस बहुत जल्दी चूहा को भी निकालेंगे यहाँ से। और रहने थे इस ब्लॉग को यहीं तक, आप लोग बताने ये वाला कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा। और जाते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है राज मनीषा सचिन, आप लोग फॉलो कर लेना। अभी बहुत ज़्यादा काम है, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ पार्ट आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।